सरदार जी की जबरदस्त स्पीड से ये लग रही है जी छोले भटूरे की प्लेट। ये आ गए जी छोले और ये आ गए जी साथ में प्याज चटनी। ओ भाई साहब स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिहर भाई साहब। आज मैं हूँ पटियाला में और यहाँ पे एक सरदार जी हैं जो बहुत ही बढ़िया राजमा चावल छोले भटूरे और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगाते हैं। आपको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। आज बहुत मजा आने वाला है। जो सरदार जी यहाँ पे सुपर पॉपुलर है, सबसे पहले तो आप लोकेशन समझ लो, ये है जी ऑपोजिट बारादरी। इधर छोटी बारादरी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जी और एकदम सामने ये है जी सरदार जी की दुकान। दिस इज द शॉप, ये लिखा हुआ है ज्ञानी जी वैष्णो ढाबा। सबसे पहले तो इधर देखो भाई साहब, ये भटूरे हैं जो वो तले जा रहे हैं पेड़े करके रखे हुए। अपनी तरफ से सारी चीज़ें बढ़िया बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं जो भी चीज़ बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो आप खा रहे हैं भटूरे, इसका मैदा भी खुद बुनता हूँ अपने हाथों से। सुबह के मछरों का मैं अपने हाथ में रखता हूँ। क्या बात है, सब कुछ खुद ही करते हैं। हाँ हाँ, ये है जी भटूरे, बढ़िया बढ़िया। और आपको दिखाते हैं सरदार जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, आपने टाइम दिया। सरदार जी क्या क्या लगाते हैं आप यहाँ पे? छोले भटूरे होते हैं अपने पास, राजमा चावल खास है अपने यहाँ जी। पैरें राजमा चावल रोटी जी, तवे की रोटी होती है, तंदूर की, लस्सी ठंडी जी, दही का रहता जी। जब ले लिया फटाफट लिया टक्कर ले जाए। सरदार जी कितने साल से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? 68 ईयर्स नीचे लिखा हुआ बोर्ड पे देखो। वाह वाह वाह। और आप ही ने शुरू किया था, आपके पापा ने? मेरी उम्र इतनी नहीं है जी, मेरे तो ग्रैंड फादर अच्छा जी सब यहीं पे होते हैं, शुरू से यही है। मैंने बीए किया हुआ 78 में। अच्छा जी। जो बेटा मेरा यहाँ पे खड़ता है वो गया हुआ अभी हेमकुंड साहब। अच्छा जी। लेकिन उसने एमबीए की हुई है, जॉब नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे साथ दे रहा। तो ये मतलब फैमिली बिजनेस है इसलिए कर रहे हैं, खाने से प्यार है? ग्रैंड फादर तो फैमिली बिजनेस ही है सर। जी जी जी। और कितने बजे सर आप बनाते शुरू करते हैं? 11 बजे लगाते हैं जी, 4:30 बजे सब फिनिश। और आपके ना आसपास देखा है मैंने कि काफ़ी सरकारी ऑफिसर तो वहाँ जो भी आता है वो यहाँ आपके पास खा के जाते हैं? हाँ सर, आते हैं दूर दूर से भी लोग आते हैं, चल के चंडीगढ़ बठिंडा तक आते हैं लोग, ले जाते हैं पैकिंग करके चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट आते हैं। जैसे चल के हम भी जाते हैं, जहाँ से दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे खाएंगे रास्ते में। अच्छा, इस तरह दूर दूर से लोग आते हैं। 11 बजे लगाने के लिए आपको सुबह उठना तो बहुत जल्दी पड़ता होगा? नहीं, 5 बजे उठते हैं, 5:30। आज का सारी चीज़ें जो है गैस पे होती हैं जी। अपने सर 10 रोटियाँ, दो छोले, एक छोले, दो राजमा। तो सारी जो प्रेपरेशन है जी वो सुबह 5 बजे उठ के सरदारी शुरू कर देते हैं। और पीतल की परात होती है सर? पीतल की परात, पुराने समय में जो पीतल की परात में छोले हैं ना, जो असली छोले इसी में बनते हैं। वाह वाह वाह। ये जो छोले हैं इनमें घी बिल्कुल नहीं होता जी, ये पीतल की परात है जी, उसमें छोले बने हुए बिना घी के। और बहुत ही बढ़िया सा सेटअप है यहाँ पे सरदार जी का। ये क्या है सर? ये राजमा होते हैं सर। ये है जी राजमा, एक बार राजमा भी दिखा दीजिए सर। ये 10 रोटियां एकदम गाढ़े रसीले राजमा है जी, आपको सब उधर से भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, वाह, ये आ गए जी राजमा। हेलो, ये है जी लस्सी इधर। और सारा जो सेटअप है ना वो ठेले के ऊपर इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने करके रखा हुआ है। वाह जी वाह, रेड कितनी भाजी ने, क्या बात है जी, छाग वाली लस्सी है जी, बढ़िया एकदम मजेदार। ये देखिए जी छोले, देखिए इतने बढ़िया। और आप बोल रहे थे सिर्फ प्रात में ही बनते छोले ये वाले? ये बिना घी के हैं, बिना घी के भी घी। अच्छा, बिना घी के? एक भी बूंद घी की नहीं है इसमें। अच्छा जी, ना प्याज है ना घी, लहसुन बिल्कुल नहीं होता, प्याज लहसुन घी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मसाले और नमक और प्रात में बने हुए जो छोले हैं उनका फ्लेवर है, बहुत ही बढ़िया। ये है जी राजमा, राजमा का गाढ़ापन देखो, एकदम रसीले राजमा है। वाह 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 वाह, बढ़िया। राजमा मखनी लग रहे हैं एकदम, ऐसा नहीं लग रहा कि तरी वाले राजमा है, गाढ़े ग्रेवी वाले राजमा है। और सरदार जी ने रायता रखा हुआ है, एकदम गाढ़ा रायता है, ये पंजाब वाला रायता है भाई साहब, ये एकदम गाढ़ा रहता है। ये चावल पड़े हैं जी जीरे वाले राइस है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। सरदार जी ने सारा जो सेटअप है ना बहुत सही तरीके से बना के रखा हुआ है। सरदार जी आपकी एज क्या होगी अगर बुरा ना माने तो? 64। और आपकी जो एनर्जी है वो 24 वाली है सर, ऐसे लग ही नहीं रहा कि शौक होता है सर जी। पढ़ लिख कर पिताजी का काम था, बुजुर्गों का तो कर रहे हैं जी, ठीक है ना। जब शौक ना होता, देखो ये गाड़ी रेडी नहीं है ये, बिल्कुल इसको चला कर ले आते हैं। अच्छा, ये देखो इसके नीचे स्टेयरिंग पड़ा, इसको चला कर ले आते हैं। ये रेडी नहीं है, इसको चलाते हैं, मोटराइज्ड है, स्टेयरिंग लग जाता है इसको, इस उम्र में रेडी नहीं खींची जाती, वो सीट पड़ी है देखो जी 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 पीछे,
वो सीट पड़ी है जी पीछे, और ये जो स्टीयरिंग इसके नीचे पड़ा है, यहाँ पे स्टीयरिंग लग जाता है, इसको चला के ले आते हैं। अरे वाह 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 वाह। और बैठते कहाँ पे हैं भाई? बैठते कहाँ पे? यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये देखो बना वो सीट, ये उठा देते हैं ना सब, ये भट्टियाँ जो है सब अलग अलग। ये जो स्टॉल आप देख रहे हो, ये मूवेबल स्टॉल है, मोटराइज है, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है यार। इसको तो बनाए 10 साल हो गए, ई रिक्शा पे बनाई है अभी, पहले तो खींच के ले आते थे, आजकल के बच्चे कहाँ करेंगे इसको, ठीक है ना। ई रिक्शे चले सीखे, फिर ये सामान ले आके तब बनाई सीखे। चंडीगढ़ में भी फैक्ट्री खोली थी पहले, 10 साल मैंने चलाई है जी। कॉरोगेटेड बॉक्स वगैरह बनाते थे, प्रिंटिंग प्रेस जो भी सब जी, जैसे बुजुर्गों का काम है इसको कर रहे हैं, पाला रोटी पाला, बच्चे करते हैं साथ ही, बच्चे भी करते हैं, घर वाले भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऊपर दशमेश पिता की फोटो लगी हुई है जी, और साथ में फरीद जी का लिखा हुआ, फरीदा बुरेदा पलाकर, क्या बात है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। वाह, और देखो सारा का सारा कार्ड जो है ना, इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है। ऊपर वो देखो ग्लासेस पड़े, मज़ेदार है यार। इधर जो है कुलचे सेके जाते हैं जी, वाह। कुलचे आप छोले के साथ देते हैं, राजमा के साथ? सर ये है जी प्राइसेस, आप पॉज करके पढ़ लेना, ये प्राइसेस हैं जी, रेट लिस्ट है, पॉज करके इनको पढ़ लो। इधर ये है जी तंदूरी सेक्शन, कुलचे ला दिए जी। नाम क्या है आपका? कुलचे दे दे भी उन्होंने, कुलचे दे। अशोक रहता बना बेटे। अशोक जी यहाँ पे तंदूरी सेक्शन पे जो है तंदूरी रोटियां लगा रहे हैं बैक टू बैक, और देखो कितने बढ़िया तरीके से ये तंदूरी ब्रेड जो है, तंदूरी रोटियां जो है बनके तैयार होती है। पैकिंग तो बात बेटे, पैकिंग और ये आप स्टॉल देखो कितनी बढ़िया ब्रांडिंग करी हुई है, ज्ञानी वैष्णो ढाबा तंदूरी रोटी। इधर देखो ये है जी ज्ञानी वैष्णो ढाबा, पूरा एकदम पूरा स्टॉल के ऊपर सारा का सारा जो सेटिंग है वो लगाई हुई है। रायता जो है वो 20 रुपये का है, दो छोले कुलचे 40 रुपये के, और छोले की प्लेट जो है वो है जी 30 रुपये की, और रोटी थाली जो है 4 फुल्कों वाली वो 70 रुपये की है, भटूरे छोले 40 रुपये के, और स्पेशल ठंडी लस्सी है जी। और सरदार जी जो है ना इतनी मेहनत से फटाफट से सारा कुछ लगा रहे हैं, लिटरली गोली की स्पीड से खाना चल रहा है यहाँ पे। आप वैसे सर हैं पटियाला से? हाँ ये पटियाला से, पाकिस्तान से आकर ना, पाकिस्तान से, हाँ पाकिस्तान से आकर सीधा फिर 2 साल के बाद यही काम दादाजी ने किया था। क्या बात, लो बेटे दो कुछ। ये देखो यहाँ पे ये रियर व्यू मिरर है जी, पीछे देखने के लिए जब गाड़ी चला रहे होते हैं। ये लग रही है जी हमारी प्लेट, सबसे पहले तो भटूरे जो है वो एकदम फ्रेश निकाल के देते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपके लिए फ्रेश भटूरे लगेंगे। तो ये आ गया जी एकदम बढ़िया, ओहो दी अरोमा, वाह बढ़िया भटूरा आ गया जी। भटूरा लगाने का अंदाज देखो भाजी का, ए वाह बढ़िया। सरदार जी की जबरदस्त स्पीड से ये लग रही है जी छोले भटूरे की प्लेट। ये आ गए जी छोले, और ये आ गए जी साथ में प्याज चटनी। ओ भाई साहब, स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि ओहो हो हो, वाह वाह वाह, चटनी लोगे? वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये सरदार जी की स्पीड देखो आप, वाह। और ये देखो सरदार जी की स्पीड, राजमा चावल की प्लेट लग रही है जी। अब दही पड़ा इसमें थोड़ा डाल दो सर। ये आ गए जी राजमा, और ये ऊपर से आ गया जी थोड़ा सा रायता। ये आ गए जी चम्मच हरी चटनी, और ये देखो प्लेट्स बन के तैयार। वाह जी वाह वाह जी, हाँ जी इधर कर लेते हैं सर। तो कपड़ा लगा इधर यार, क्या बात है सर, कपड़ा लगा इधर। मतलब लिटरली 30 सेकंड में प्लेट्स बन के तैयार है जी हमारी, और ये है जी साथ में भटूरे। तो ये है जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये देखो भाई साहब, राजमा चावल सरदार जी के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पे, एकदम बढ़िया रसीले राजमा, और साथ में चटनी और रायता डाल के देते हैं। ये है जी साथ में प्याज और चटनी, प्याज चटनी, एंड देन ये है जी छोले, ये है साथ में भटूरे, और ये इधर रायता। इट्स लाइक अ ज़िगज़ैग गेम, 1 2 3 4 5 6। और ये है जी लस्सी, और लस्सी इतनी बढ़िया है, नमकीन लस्सी है, बहुत ही मज़ेदार है। स्वाद बटांदरा करते मुंह में बहुत पानी आ रहा भाई साहब। ये है जी भटूरा, और भाई साहब फूला हुआ अभी भी, इसको थोड़ा सा ये फोल्ड करके, हियर्स अ बाइट, सुपर क्रिस्पी यार, सुपर बढ़िया। आगे हो थोड़ा सा, आपको और दिखाते हैं। ये देखो छोले साथ में हरी चटनी, एंड हियर इज अ बाइट, थोड़ा सा प्याज रख लेते हैं ऊपर। लो जी, हियर्स अ बाइट, हियर गोज,
एकदम पिंडी स्टाइल छोले हैं, बट तेल प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, फ्लेवर वही वाला है, बहुत ही बढ़िया मसालेदार छोले हैं, ऊपर जो चटनी डाली है एकदम जायकेदार मसालेदार है, सुपर्ब, इट्स ऑलमोस्ट अचारी ऐसा फ्लेवर आ रहा है मसालों का। एंड साथ में जो चटनी है ये आपको राजमा दिखाते हैं, राजमा चावल में ना, राजमा चावल के अंदर ना ये डालते हैं जी रायता, हियर्स अ बाइट राजमा चावल, हियर गोज, जीरा राइस है, टमाटर का फ्लेवर है और जो दही है उसकी खटास इतनी प्यारी है, मज़ेदार राजमा चावल है, बहुत ही बढ़िया यार, शायद पटियाला में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव लंच इज दिस वन, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जो खाना यहाँ पे एक स्टॉल पे मिल रहा है शायद बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी, बड़े बड़े शहरों में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तंदूरी रोटी भी आ गई भाजी, थोड़ा फेवरेट की है थे? मेरा पर्सनल फेवरेट राजमा चावल नहीं, इस पीछे मैं तंदूरी स्पेशली लेके आया। क्या बात है, बाकी भटूरे बहुत स्वाद है भाजी, मैं दोनों चार आइटम के सामने मिनिमल मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है मेन्यू है ना सर, प्लस मेरे फेवरेट जो राजमा चावल वेट में ले चुका पर मैं एक और ले देना वीडियो ली, तीन चार बाइट लेनी है जरूरी है। हेलो मजेदार, पक्की गल है, तो मैं ये खाना ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपने यहाँ पे खाना खा रखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, अगर नहीं खाया तो भाई साहब कब आ रहे हो ये बताओ, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साढ़ी आ रही है दौदा आजाद वजदा रहे साढ़ा पंजाब नारे साढ़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो शोले के गब्बर के कढ़ी चावल तो ये है जी वो वीडियो।